हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में याद रखिए, हिमालय की उत्पत्ति फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट स्थिनो स्फीयर या स्थेनो स्फीयर, जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, दुर्बलता मंडल मतलब को दुर्बल होगा, कोई ऐसी परत होगी, कोई ऐसी प्लेट होगी जो दुर्बल होगा, उसके ऊपर गत करती है। यानी कहने का मतलब कि जो प्लेटें हैं वह दुर्बलता मंडल पर गत करती हैं। क्लियर? इसी गति के आधार पर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे तीन प्रकार से प्लेटों का विवरण बताया गया है। नंबर एक, अभिसारी। अभिसारी प्लेट। नंबर दो, अपसारी प्लेट। नंबर तीन, सरक्षी प्लेट। फ्रेंड्स पहले तो इसे इसका मैटर समझ लीजिए कि है क्या, तब उसके बाद हम बताएंगे इसे क्यों कहा गया। मैटर अभिसारी में होता है, जैसे एक प्लेट, ये प्लेटें हैं, ठीक, ये अब प्लेटें हैं और एक प्लेट इधर से है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से, क्लियर। तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी। अगर ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये बीच में ये जो किनारा है इस पे क्या होगा, अभिसरण होगा। क्लियर? इन दोनों या इन प्लेटों में जो प्लेट दुर्बल होगा, वह प्लेट क्या करेगा, एक दूसरे को झुकाएगा। यानी वह प्लेट नीचे की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि देखिए, अगर मान लीजिए हम इस प्लेट को, अगर कमजोर है, ये कमजोर वाला प्लेट है और ये कठोर वाला प्लेट है, तो जब ये टकराएगी तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसको दबा देगी, तो ये नीचे भी झुक सकता है, ये प्लेट, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे फोल्डिंग हो सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर एक ऐसी कंडीशन बनेगी जो झुकेगा, अभिसरण होगा, अभिसरण की क्रिया होगी। अब भैया याद रखिए, जब अभिसरण होगी यानी झुकेगा, ऐसे झुक गया, तो आप ये समझिए कि कुछ ऐसा होगा कि जब ये प्लेटें इधर, तो ये मान लीजिए यहां पर जगह हो गई, लेकिन यहां पर टकराएगा
तो विनाश का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसी प्लेटों को विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। कैसा प्लेट कहते हैं? विनाशात्मक, यानी विनाश होगा इस प्लेट में, विनाश होगा। क्योंकि जब कोई प्लेटें, मान लीजिए ये प्लेट, ये वाला प्लेट कठोर है और ये वाला प्लेट कमजोर है, तो ऐसे दबाएंगे तो ये ऐसे झुक जाएगी, ये झुक जाएगी। अब देखिए ऐसे झुक गई, अब ये क्या हो गया? अगर इस तरीके से ये वाली प्लेट झुक जाएगी तो ये जो इधर पोर्शन होगा इधर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, विनाश होगा कि नहीं होगा? इसलिए अभिसरण प्लेट को विनाशात्मक भी प्लेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इस प्लेट को विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स अपसारी प्लेट। अब देखिए अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेटें जो होती हैं, जैसे इधर देखिए ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये वाली प्लेट क्या करेगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। इसका मतलब अपसारी में दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत की तरफ जाती हैं, क्लियर, एक दूसरे के विपरीत की तरफ जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखिए, जब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो यहां पर क्या होगा, जैसे ये इधर गई ये इधर गई, तो यहां पर जो मैग्मा है अंदर से, यानी जगह मिल जाएगा और ये जगह मैग्मा आगे जाकर के जम जाएगा, ये ऊपर जाके जम जाएगा, और जब यहां जमेगा तो एक प्लेट जैसा निर्माण करेगा, एक जमेगा, ये मैग्मा इधर गया तो इसका मतलब इधर निकली ये इधर निकली, ए प्लेट इधर आ गई ए प्लेट इधर आ गई, अब बीच में जगह हो जाएगा, जब जगह होगा तो एक क्या करेगा, एक प्लेट जैसा निर्माण करेगा। तो जब ये प्लेट जैसा निर्माण करेगा तो ऐसे अपसारी प्लेट को रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है। ऐसे प्लेट, ये आप कह सकते हैं अपसारी प्लेट प्लेट को रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा ठीक है, अब ये क्या निकल रहा है, मैग्मा, तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेट दूर जा सकती हैं, यानी अपसारी प्लेट में दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं। अब दिमाग लगाइए, इसका मतलब अगर दूर जाएगी, चाहे इधर वाली चाहे इधर वाली दूर जाएगी, तो इधर भी तो कोई प्लेट होगी, इधर भी होगी एक प्लेट, इधर भी होगी, इसका मतलब इससे टकराहट हो सकती है। तो याद रखिए, इसमें दूर जाने पर एक और नई प्लेट से क्या होगी, टकराहट हो सकती है। तो ऐसी प्लेटों को याद रखिए फ्रेंड्स अपसरण की कंडीशन होती है, अपसरण
या आप कह सकते हैं आप सारी वाली प्लेट में आप सरल होना तय है। क्लियर? क्योंकि देखिए अब आप दिमाग लगाइए, ये प्लेट सपोज दैट मान लीजिए झुकी हुई है। अब ये प्लेट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए नीचे है और ये ऊपर है, तो ये प्लेटें क्या होंगी, इसके ऊपर ये जाके इसी तरीके से फिसलन की तरह इसके ऊपर जम जाएंगी, मतलब इस तरीके चढ़ जाएगी। तो ये क्या है, अपसरण, ऊपर से सरण कर ले रही, तो अपसरण की कंडीशन बन सकती है फ्रेंड्स। और हाँ ये भी हो सकता है, इधर भी टकरा सकती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और जो हमारा हिमालय है, सपोज है, अब पहले तो आप समझिए सरची प्लेट को, तब उसके बाद अवशारी को कैसे हिमालय बलित पर्वत बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब आइए चलते हैं हम सरची प्लेट चलते हैं। सरची प्लेट, सरची में क्या होता है ना, यानी दोनों प्लेटें ना तो दूर जाती हैं और ना ही नजदीक, या आप कह सकते हैं ना ही, ना तो वो दूर जाती हैं और ना तो एक दूसरे के ऊपर स्पर्श, ना ही एक दूसरे के ऊपर, बल्कि रगड़ने की क्रिया हो सकती है। रगड़ने की क्रिया हो सकती है, इसका मतलब इधर ऐसे प्लेट है, ये ऐसे प्लेट, दूर तो नहीं जाएंगे, न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, इसका मतलब इन दोनों का संरक्षण, इन दोनों के बीच में ये, इसका संरक्षण ये कर रहा है, इसका संरक्षण ये कर रहा है, इसलिए इसको सरक्षी प्लेट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यह अभिसरण प्लेटों में, प्लेटों में हिमालय की उत्पत्ति होती है। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं हिमालय हमारा कैसा है, बलित पर्वत, बलित पर्वत। अब आप सोचिए बल मतलब, जैसे आप देखिए अगर ये मान लीजिए प्लेट है, क्लियर, अब इधर भी प्लेट है, अब ये देखिए ध्यान से, जब ये प्लेटें खिसकेंगे और ये झुकेंगे तो कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, ऐसे ऐसे फोल्डिंग बन जाएगा, बनी बनी नहीं बनेगा, तो इस तरीके से क्या है बलन। तो इसीलिए हमारा हिमालय कैसा है, बलित पर्वत है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्लेटें होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटी गई, जैसे गति के रूप में तीन बांटी गई, अभिसारी, अपसारी और सरची प्लेट। लेकिन प्लेटों को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दो प्रकार से बांटी गई, एक महासागरी प्लेट और एक महाद्वीपी प्लेट। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें जिस मतलब कि जितनी संख्या ज्यादा होगी, कहने का मतलब कि प्लेटों का हिस्सा जो है जितना, अगर महासागरी एरिया में है तो उसे महासागरी प्लेट कहेंगे, और जो ऐसी प्लेटें, कुछ ऐसी प्लेटें हैं जो, कहने का मतलब कि अगर द्वीपों में उनकी संख्या ज्यादा होगी, या आप कह लीजिए कि उनकी अधिकतम भाग अगर महाद्वीपों में है तो उसको क्या कहेंगे, तो
तो महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा। अगर अधिकतम भाग महासागर में है तो उसको महासागरी प्लेट कहेंगे, और अधिकतम भाग महाद्वीपी में है तो उसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, प्लेटों को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक महासागरी प्लेट, नंबर दो महाद्वीपीय प्लेट। क्लियर। अगर ध्यान दीजिए, अगर महासागरी में भाग या लग सकते हैं प्लेट का भाग अधिक होगा तो उसे महासागरीय प्लेट कहेंगे। जैसे प्रशांत प्लेटें। क्लियर। अब आगे देखिए, महाद्वीपीय प्लेट में यहां लिखेंगे, अगर महाद्वीपीय भाग में या आप लिखेंगे महाद्वीपीय प्लेट का भाग अधिक होगा तो उसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट, क्लियर। इसका मतलब कि हमने आपसे बता दिया कि एक ऐसा प्लेट होगा जहां पर महासागरी अधिकतम होगी, वहां पर क्या होगा, महासागरी प्लेट, और जहां पर महाद्वीपीय प्लेट जो होगा महाद्वीप हिस्से में ज्यादा होगा, उसे अधिकतम भाग महाद्वीप में होगा तो उसे क्या कहेंगे, महाद्वीप प्लेट। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फर्क ये है कि जो महासागरी प्लेट होते हैं उनमें बेसाल्ट की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या होती है, बेसाल्ट की मात्रा कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। इसका मतलब अगर इसमें सर्वाधिक होती होगी तो महाद्वीप में कैसा होता होगा, यहां लिखेंगे इसमें बेसाल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। क्लियर। बेसाल्ट यानी लौह। क्लियर, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब कल अपने भारत का जो हिमालय है आपको ये पता चल गया कि बलित पर्वत जैसे, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है पंजिया जितने स्थल रूप थे सबको पंजिया। क्लियर। और दूसरी चीज एक भी याद रखिएगा, जहां पर जितने धरातल हैं उनको पंजिया आपने कह दिया, और जो भी महासागर है उसे आपने क्या कहेंगे, पैंथलासा। पंजिया को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी पंजिया जिसे अंगारा लैंड और लारेंसिया के नाम जाना जाता है, और जो दक्षिणी पंजिया है उसे फ्रेंड्स गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो अफ्रीकन है, अफ्रीकन से भारत अलग हुआ और भारत अफ्रीकन से फिर ऑस्ट्रेलिया भी अलग हुआ।
तो ये किस युग में अलग हुए? क्रिटेशियस युग में अलग हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका हिमालय की उत्पत्ति विस्तृत ढंग से डीपली अध्ययन करा दिया जाए, ठीक। जैसा कि अब वहां उसी में आपको ध्यान देना होगा कि हिंद महासागर की उत्पत्ति भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप जानते हैं यूरेशियन की तरफ आप जाएंगे और इधर गोंडवाना लैंड और यूरेशियन की तरफ जैसे भारत निकलता है, तो आप याद रखिएगा कि बीच में जैसे जब अफ्रीका से ही क्या बोलते हैं इंडिया इधर जाता है, तो यहां पर कनेक्ट मतलब ये क्या होगा, एक सागर रिक्त होगा, खाली होगा, और जब ये खाली होगा तो ये क्या होगा, हिंद महासागर का नाम ये रहेगा, मतलब हिंद महासागर जैसा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अफ्रीका से जैसे अलग हुआ ये इधर बढ़ा, तो यहां बीच गैपिंग होगी और जो गैपिंग होगी वही हिंद महासागर होगा। फ्रेंड्स तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो में। थैंक यू।